एम्प्लॉय कोड यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम वी लुकअप लगाते हैं, रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं किया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं किया हमने। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा हमारा यहाँ है, और डेटा में जो हमारा ये है एम्प्लॉय कोड है, बाद में इस एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हमें उठाना है, राइट। जी तो यहाँ पे हम आते, यहाँ पे हम एम्प्लॉय यहाँ पे मैं वी लुकअप लगाता हूँ। हालांकि वीवीएस था, लेकिन वीवीएस ना करने के पीछे रीजन ये है कि हमें बस एक ही बार तो वी लुकअप लगाना है। मुझे बार बार लगाना होता तो वी कैन यूज द वीवीए। यहाँ पे हमने ये दे दिया और कॉमा। अब मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगा देता हूँ, मैच। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कॉलम नंबर के लिए। ए एरर आया क्योंकि ए टू नहीं होना चाहिए, ए थ्री होगा, ए थ्री। ओके, मुझे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि बाकी सब को फ्रीज करता हूँ, सिर्फ ये इस दो को फ्रीज नहीं करता हूँ मैं। इससे क्या होगा कि जब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा तो डेजिनेशन नहीं आया, डेजिनेशन आना चाहिए डी। अच्छा, ओ माफ कीजिएगा, इसमें सब कुछ रहेगा, ये इसको फ्रीज फ्रीज करना पड़ेगा सर, इसको ही फ्रीज करना पड़ेगा। आ गया, ठीक है सर। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, बड़ी सुनो, क्लास कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर। आ गया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये 10,000 पे किए हुए हैं, सो 25,000 कर देते हैं, इसलिए तो नहीं आ रहा था। अब आ गया, यहाँ भी आ गया, बाकी सब हाँ ये होगी। इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, पेस्ट पेस्ट एंड यहाँ रहा पेस्ट। ये बाकी सारा चीज आ गया सर। अब इसकी जो ये हट राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल पे आता हूँ, फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, चार जनरल बॉर्डर। ठीक है, ये इस पे जो इसका ये फॉर्मेट है, इस पे फॉर्मेट अप्लाई। सम भी आ गया, ऑटो डिडक्शन ऑटो प्ले आ गया। आप कितना पैसा चाहिए कैश, 15,000 ये आपका आ गया कैश ही है, एंड सीटीसी आ गया ये 27,000 का। देखिए सर, 27,000 के सीटीसी है, 22,000 के सीटीसी है, लेकिन 15,000 इनाम है सर, ज्यादा नहीं आ रहा सीटीसी। हाँ सीटीसी सही आ रहा है। सर ओके, अब इसको ये हो गया हमारा। अब इसको सैलरी ब्रेकअप अ मंथ, यहां पे मैं लास्ट में एक मंथ का कॉलम डाल देता हूं, मैं यहां पे मंथ है ना। और यहां यस सैलरी डेट ही डाल दीजिए, ठीक है ना सर। सैलरी पता चले किस महीने की सैलरी है ना, ठीक है। सैलरी डेट मान लीजिए 7 तारीख का, तो ये आपका दिसंबर की सैलरी होगी ना सर। तो यहाँ स्लिप पे आते हैं, जैसे सैलरी ब्रेकअप, सैलरी ब्रेक पर आया ना सर, तो इसी में को इसको लेना है ऐसे
सैलरी ब्रेक का केस देके एंड परसेंट के साथ हम देंगे वीलुकअप। हमने इसको सेलेक्ट किया और डेटा में गए और डेटा में हमने यहाँ पे इसको लिया तो कितना है 22 माह है कॉमा 22 कॉमा। अब दिक्कत यहाँ पर है, एक मिनट, ये वीलुकअप में ए बी से सॉरी ए से रहूँगा हाँ ए से आ गया लेकिन 302 करके आ रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ इसको फॉर्म एक मिनट 302 क्यों आ रहा है 22 से 23 हो रहा था ठीक है लेकिन मंथ नहीं है ना सर यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्म हाँ उसको लिया नहीं थे नहीं तो डेट आया ना सर तो मंथ का फॉर्मूला हमको इसमें देना है तो इससे हम जो है हमारा ये तो चलो ठीक है डेट आ गया मुझे इसमें प्रीवियस मंथ का डेट चाहिए हम इसमें लगाएंगे ईओ मंथ क्योंकि सर जनवरी 7 तारीख को सैलरी निकली है तो वो तो दिसंबर निकलेगी ना दिसंबर का देगा ना जनवरी तो मैंने ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाया और इसमें से कर इसमें कॉमा और कर दिया माइनस 1 तो आपको दिसंबर का 31 दिसंबर का डेट दे देगा और दे देगा जी कर दिया एमएमएम फोर टाइम एंड वाई वाई आ गया आपका सैलरी दिसंबर 19 ये हमारा। अब मैं इसकी बैग लगाके इसकी बैकग्राउंड को ग्रिडलाइन को अनहाइड कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट व्यू में देखता हूँ कि किस तरह का प्रिंट आ रहा है तो ये चार पेज में आ रहा है दिख रहा है सर आपको तो पीडीएफ में सेव करना है इसको तो उससे पहले मुझे इसकी फॉर्मेटिंग को तो पेज लेआउट में ही हम सबसे पहले पेज की साइज जो है सही है हमारा ओरिएंटेशन हमारा इंपॉर्टेंट है और मार्जिन मार्जिन में हमने कस्टम मार्जिन है तो इसको मैं नैरो मार्जिन कर देता हूँ ठीक है। अब मैं इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो अब ए वन ऑफ वन में आ गया सर सर आ गया सर एक पेज में अब आ गया मतलब कि इसको अगर हम मैनुअली सेव एज पीडीएफ करते हैं सेव एज पीडीएफ और ये हो जाएगा एफ 001 एक ही तीन होती है 01 और मैं मान लीजिए डॉक्यूमेंट में करता हूँ इसको सेव करता हूँ ओके पीडीएफ पूरा अब देखिए इसमें क्लियर सर तो सैलरी का एरर तो मुझे ऐसे ही फाइल बनानी है। अब एफ जो 1-2 का होगा फिर 2 का आएगा 3 का आएगा 4 का आएगा हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग हर एक पर्सन के लिए अलग अलग समझ गए तो कैसे बनेगा चलिए हम आपके साथ इसी चीज पे डिस्कस करते हैं।